तो आज हम लोग देखेंगे टेंस के बारे में, टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो एकदम छोटे बच्चों के लिए है, या कोई नया सीखने वाले हैं उनके लिए भी वीडियो काम आ सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे टेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज टेंस, टेंस किसे कहते हैं। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। काल टेंस का हिंदी होता है काल, काल किसे कहते हैं, क्रियाओं के विभिन्न रूपों का अध्ययन काल कहते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, मतलब टेंस कितने प्रकार के हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस कितने प्रकार, फ्यूचर टेंस चार प्रकार के, कौन कौन, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी में टेंस पूरा इंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद से हम लोग अंग्रेजी बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है व्हाट इज टेंस, टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। इसको आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा का नाम क्या है, कौन बता देगा, सिंपल परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या नाम है, सिंपल परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, कौन बता देगा, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है तियर ता, उसे प्रेजेंट बनाने का नियम रूल क्या होता है, क्या होता है बाबू, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में क्या होता है बाबू, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, चाहे अदर वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैं कहां हम लोग एस लगेंगे, कहां ई एस लगाएंगे, इस बात को एक बार लिख दे रहा हूं, उसके बाद से मैं दोबारा लिखूंगा। ही सी एक नाम, ही सी एक नाम, जैसे मैं का नाम बोलू सोनू, दो या नाम, जैसे मैं टूनू एंड कौन जी रानी, दो का नाम हो गया ना, तो दो से अधिक भी नाम हो सकते हैं, या अपना नाम अपना चेंज कर सकते हैं, किसी का भी नाम हो सकते हैं। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए मिटा दो। ओके क्या होगा, सी होगा ना, क्योंकि ती आ गया, तो क्या लिखेंगे, सी इट्स, सी इट, क्या हो गया, इट इट्स। तो हमने बताया था यहां पे क्या लिखवाया था जी, सी ही, और बोलो एक नाम, एक एक नाम में क्या लगाते हैं, एस या एस लगाते हैं ना, तो यहाँ पे एस एस लगाने का मतलब एस लगा दूंगा, कोई दिक्कत। अब बताएगा कौन सी, राजू, कौन सी, राजू, राजू जाता है, तो राजू का हम लोग लिखेंगे नाम है, एक ही नाम है, एक नाम, तो क्या लिखेंगे, राजू गो, यहाँ पर वो आता है तो ईएस लगा देते हैं। डिस्कशन, एक बुक आता है, बता रहा हूँ कौन सा बुक है, वो पटना के टीचर हैं, बहुत फेमस टीचर, उनका नाम है, ऑक्सफोर्ड में इसके बारे में उतना नहीं बताया है, उनका नाम है इसमें हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वाला जो है ना बुक, उसमें भी बुक में ये सब बताया है। तो आगे हम लोग देखेंगे अशोक सिंह, अशोक सिंह का बुक आता है ब्रिटिश वाला, ब्रिटिश ट्रांसलेशन, ब्रिटिश ट्रांसलेशन, उसमें बताया गया है। तो राजू पढ़ता है, अब देखिए वे लोग बताओ, वे लोग खेलते हैं, वे लोग क्या हो गया, दे ना जी, खेलते हैं क्या, प्ले। तो हमने बताया था दे में यहाँ पर आई एस कुछ नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप दे देंगे, कोई दिक्कत। आइए अब हम लोग एक बच्चे से एग्जांपल में लेते हैं, समझ गया सबको, तो कौन आके बताएगा, कौन बोलो, अरमान आएगा, बोलो जल्दी, कौन आएगा, तुम आएगा था जल्दी, हाँ जो मैं बताया हूँ तुम समझ गए हैं, तो चलिए पीछे यहाँ पे ऐसे घूम जाइए और आप बताइएगा कि मैं ट्रांसलेशन बोलूंगा, आप उसे बताइए ना, बताइए मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, हाँ आई लुक, या आई वॉच, चाहे आई सी, कोई भी बोल सकते हैं। अब बताइए वह नाचती है, वह नाचती है, हाँ सी, हाँ डांस, 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 सी डांसेज, एस आई एस लगाएंगे वहां पे कंपल्सरी, सी डांसेज, हाँ। हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, हाँ रन, बहुत बढ़िया, वे लोग हंसते हैं, वी लाफ, वे लोग का क्या होगा, वे लोग का वी लाफ, वी माने तो हम लोग होता है, दे लाफ, हाँ। देखिए अंग्रेजी आपको तभी सीख सकते हैं आपका बच्चा, जब आपका बच्चा प्रैक्टिस करेगा बोलना, क्योंकि बोलने से ही अंग्रेजी आती है, इफ यू डोंट स्पीक यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, तो बेस्ट ट्राई, देखिए अभी भी इसको प्रैक्टिस की जरूरत है, जाइए बाबू आप, हाँ। और कौन आएगा, कौन आएगा, इच्छा तुम आओ, तो देखिए कुछ बच्चा होता है जो ऑन द स्पॉट पर ही समझ, कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ता है, देखिए इनसे मिलते हैं, बताइए तो, हाँ बताइए तो,
हाँ पता है क्रिस मोहन खेलता है, क्रिस मोहन प्लेस। हाँ क्रिस मोहन प्लेस, बहुत बढ़िया। मैं हंसता हूँ, हंसता हूँ, आई लू आई लाफ, आई लाफ, बहुत बढ़िया। बताइए तो वे लोग सुनते हैं, लोग सुनते हैं। हाँ तो वी, वे लोग क्या होता है, वे लोग का सब दे। हाँ वी सुनना क्या, ही और चाहे लिसन, बहुत बढ़िया। तो और थोड़ा को प्रश्न करने बताइए, मोहन और राम खाते हैं, मोहन एंड राम ईट। बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत अच्छा क्वालिटी का बच्चा है, चलिए बढ़िया, बहुत वेरी गुड। अब हम लोग इस टेंस को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर टेंस चल रहा है वहाँ रिकैप चल रहा है, मुख्य बातों को दोहराया जा रहा है ना जी। तो सब बच्चा मतलब लगभग मैं जानता ही है, कोई कैमरे के पास नहीं आता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या देखेंगे बाबू, बोलो। पी आर ई एस ई एट दी प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, कौन सा तरीका, जिस क्रिया के अंत में रहा है रही है रहता है उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, कौन सा तरीका, बोलो। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है रही है रहे हो इत्यादि रहता है उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बहुत बढ़िया। अब बनाने के नियम क्या होता है, बनाने के नियम रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आ प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो बताइएगा कहाँ कहाँ इज लगाते हैं, कहाँ कहाँ आर लगाते हैं, बताने की जरूरत है, सब दूर जान गया है ना जी, जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख रहा हूँ सेंटेंस और इसको हमारे तुम सब किससे पूछूंगा बताएंगे ना, जैसे मैं बता रहा हूँ। हाँ देखिए कहाँ इज लिखो, कहाँ इज किसके साथ लिखते हैं, एक नाम, बहुत बढ़िया, एक नाम। आर कहाँ लिखते हैं, यू दे, हम एक्सेप्शन, जिसको स्क्रीनशॉट करिए फटाफट और आगे बढ़े। तो हम लोग को एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तो हम लोग क्या होते हैं बाबू, बी के साथ क्या होता है, आ, पढ़ना क्या, रीड, आई एन जी लगा देंगे, बी आर रीडिंग। आप लोग हंस रहे हैं, चलो ये भी हो सकता है, चाहे तुम हंस रही हो ना जी, तुम हंस मत पगली ना जी, तुम हंस रही हो, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं देगा, तुम हंस रही हो। तो बताओ एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, बड़ी वर्ड लगता है जी। तो यू का क्या होता है, आप के यू, यू आर हो के आ, यू के साथ आर लगता है, डायरेक्ट छो ना हो का स्पेलिंग बात, यू के साथ आर लगता है। तो यू हंसना क्या, लाफ, यू आर आई एन जी लगा, यू आर लाफिंग, कोई दिक्कत है किसको, समझ गया। तो हम लोग आइए किसी से पूछवा लेते हैं, कौन किसको समझ बन जाएगा नू। तो हम किसको बुलाए, अभी बोलो, गुड़िया को। हाँ गुड़िया आएगा और क्रिस मोहन दोनों साथ में आएगा, जल्दी आएगा फटाक। तो ये इसको तो बुझाता नहीं है, डेढ़ फुट के है, इसको आगे उठाना पड़ता है ना, चलो नीचे ही रहो वो रानी। और इसको देखिए हम ट्रांसलेशन दोनों आदमी से पूछेंगे, दोनों के कौन अच्छा बनाते हैं आप लोग देख सकते हैं, प्लास्टिक पढ़ा दिए पीछे का, ये कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम पूछ लेते हैं इससे पूछेंगे, तब इससे पूछेंगे, चाहे किससे भी पूछ सकते हैं, हमारा मर्जी। बताइए तो मैं दौड़ रहा हूँ, आई हाँ एम हाँ हाँ, दौड़ना को बताओ जोर से बोलो, रनिंग, आई एम रनिंग। और बताओ मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। हाँ तुम लिख रही हो, यू हाँ आर हाँ Writing. You are writing. तो थोड़ा फास्ट बोलना तेजी में बताओ। वे लोग खा रहे हैं, they are eating. मैं सो रहा हूँ, I am sleeping. मैं पढ़ रहा हूँ, I am reading. बहुत बढ़िया। वह नाच रही है, बहुत बढ़िया, टेंस आ गया ना पूरा समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं बन जाएगा। हाँ बताओ तो मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग। हाँ अब बताइए मोहन देख रहा है, देखना क्या होता है,
तो जोर से बोलिए मोहन देख रहा है टर्न से बनाइए हमको मोहन अब बताइए नितिन पढ़ा रहा है बोलो टीच नितिन पढ़ा रहा है बताइए नितिन हाँ हाँ तो जोर से बोलिए बताइए नितिन पढ़ा रहा है जोर से बोलिए नितिन हाँ कोई दिक्कत नहीं है अब बताइए हाँ वे लोग जा रहे हैं गारंटी के साथ पढ़ाता हूँ बताता हूँ सब समझ पता है ना सब बात समझ लेता है सब आता है ना तो हम देख पूछे ओठ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं नाक को गाल को आंख को माउथ को मुंह को अच्छा दांत को दांत को कपाल को बाल को बाप का चाहिए आप लोग इतना मतलब गारंटी के साथ पढ़ा जाता है किसी को बोर नहीं पड़ेगा बोर पड़ता है हमको बहुत बढ़िया जाए और कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया से पढ़ना है पूरा टेंस को सपरा दिया जाएगा इसको अंग्रेजी भी बोल लेती है आप लोगों को पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे कोई दिक्कत नहीं है जाइए आप बताइए आप यहाँ किस मोहन जी है बताइए तो हाँ बताइए मैं खेल रहा हूँ आई एम प्लेइंग आप लोग बोल रहे हैं आप हाँ यू आर स्पीकिंग हाँ मैं सुन रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ हाँ आई एम हाँ सुनना क्या होता है ये बोलो लिसन या हियर तो बोलो लिसनिंग आई एम लिसनिंग हाँ बताओ मोहन और रानी नाच रहे हैं मोहन एंड रानी आर डांसिंग बहुत बढ़िया आप देख सकते हैं जो पढ़ाया जाता है उसको प्रैक्टिस कराकर और मतलब पूरा 100% गारंटी रहता है छोटे भी बच्चे चाहे कोई भी छोटा हो या बड़ा सबको गारंटी के साथ में पढ़ाया जाता है कोई दिक्कत है भूल तुम कभी बोर पड़ेगा कभी भी मैं विद्यालय जा रहा हूँ बताओ तो हाँ I am going to विद्यालय स्कूल हाँ मैं बाजार जा रहा हूँ I am going to मार्केट बहुत बढ़िया देख रहे हैं आप लोग एग्जांपल आप लोग प्रूफ मिल रहा है मिल रहा हूँ अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जय हिंद वंदे मातरम